हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ सभी 8 टीमों की पॉसिबल फर्स्ट प्लेइंग इलेवेंस की, मतलब किन प्लेइंग इलेवन के साथ वो टीमें अपना पहला मैच खेल सकती हैं। तो आईपीएल 2020 की पॉइंट्स टेबल वाइज चलते हुए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की मेरी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है ये। रोहित शर्मा, उनके साथ क्विंटन डिकॉक ओपनिंग पे, 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, फिर ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, और बॉलर्स जो हैं मेरे वो हैं जयंत यादव या राहुल चेहर में से किसी एक को भी खिला सकते हैं, फिर नैथन कुल्टर नाइन, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। अब बात करते हैं पिछले साल की रनर अप्स दिल्ली कैपिटल्स की। डीसी की मेरी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है ये। शिखर धवन के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग पर, फिर नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, फिर ऋषभ पंत, मार्कस टॉयनिस, शिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशान शर्मा, कगिसो रबाडा और ऑनरिक नॉर्खिया। दिल्ली ने अपने ओपनर्स की प्रॉब्लम को इस ऑक्शन में भी नहीं सुलझाया। पिछली बार भी अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ दोनों ही नहीं चले थे और उन्हें कोई इंडियन ओपनर लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। सैम बिलिंग्स को उन्होंने ज़रूर लिया लेकिन उसके लिए बाकी 4 किसी एक ओवरसीज में से एक को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए इन्हें, इन 4 में से किसी को बाहर बिठा के। अब बात करते हैं SRH की। सनराइजर्स हैदराबाद की मेरी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है ये। डेविड वार्नर, उनके साथ ओपनिंग में रिधिमान शाह, फिर नंबर 3 पे मनीष पांडे, फिर केन विलियमसन, अब्दुल समाद, केदार जाधव और जैसन होल्डर या मिचेल मार्श में से वो किसी भी एक को खिला सकते हैं, फिर राशिद खान, जगदीश सुचित, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। चौथे नंबर पे बात करते हैं RCB की, सबसे एंटरटेनिंग टीम और इंटरेस्टिंग टीम भी। RCB की प्लेइंग पॉसिबल प्लेइंग 11 की मेरी प्रेडिक्शन है ये। विराट कोहली और देवदत्त पाडिकल ओपनिंग पे, नंबर 3 पे जोशुआ फिलिप, फिर एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, पवन देश पांडे, वॉशिंगटन सुंदर, काइली जेमिसन, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज। चौथे नंबर पे बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। KKR की मेरी प्रेडिक्शन है ये। शुभमन गिल के साथ राहुल त्रिपाठी ओपनिंग पे, नंबर 3 पे नीतीश राणा, नंबर 4 पे दिनेश कार्तिक, नंबर 4 पे ओयन मॉर्गन, नंबर 5 पे दिनेश कार्तिक, उसके बाद आंद्रे रसल, शाकिब अल हसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। 6 नंबर पे बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की मेरी पॉसिबल प्लेइंग 11 की प्रेडिक्शन है ये। KL राहुल के साथ मयंक अग्रवाल ओपनिंग पे, नंबर 3 पे डेविड मलान, नंबर 4 पे सरफराज शाहरुख खान, नंबर 5 पे निकोलस पुरन, नंबर 6 पे दीपक हुड्डा, नंबर 7 पे मॉजेज ऑनरिकेज, नंबर 8 पे जाय रिचर्डसन, फिर रवि बिश्नोई, मुर्गन अश्विन और मोहम्मद शमी। 7वें नंबर पे बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। CSK की मेरी प्रेडिक्शन है ये। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग पर, नंबर 3 पे सुरेश रैना, नंबर 4 पे अंबाती रायडू, नंबर 5 पे MS धोनी, नंबर 6 पे सैम करन, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, फिर मोइन अली, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और जॉश हेजलवुड। CSK की टीम में इस बार कमाल की बात यह है, उनके अगर वो ये प्लेइंग 11 खिलाते हैं तो उनके पास नंबर 10 तक बैटिंग होगी और साथ में 6-7 बॉलिंग के ऑप्शंस भी। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने फिनिश किया था नंबर 8 पे IPL 2020 में, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का ये इकलौती टीम है जिसका इस बार कैप्टन भी चेंज हुआ है पिछले सीजन से, तो इनकी प्लेइंग पॉसिबल प्लेइंग 11 है ये। संजू सैमसन के साथ जॉस बटलर ओपनिंग पे, नंबर 3 पे यशस्वी जायसवाल या मनन वोरा में से किसी भी एक को खिला सकते हैं, नंबर 4 पे बेन स्टोक्स, नंबर 5 पे शिवम दुबे, 6 पे रियान पराग, 7 पे राहुल तेवटिया, 8 पे क्रिस मॉरिस, फिर जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल और कार्तिक त्यागी। आप भी कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप कौन सी टीम की प्लेइंग 11 के साथ मेरे से सहमत नहीं हैं और आप उसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जाते जाते, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।